ये है मेरा होम टूर ब्लॉग। आइए आपको अपने घर का टूर कराते हैं। तो देखिए, जैसे आप गेट खोलिएगा ना, जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको दिखेगा ई। लगता है बाल फिर से बांधना पड़ेगा गाइज। देखिए गाइज, सिरोही मेरा भाई है, सिरोही मेरी बहन है, इसी से हम बतियाते हैं घर में जब रहते हैं तो। यही हमसे खाना छीनता है मेरे हिस्सा का, कि दो हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, है ना। चलो सिरो, हम लोग होम टूर बना रहे हैं। होम टूर, एक लड़का है प्रिंस, फॉलो करता है, वो बोला कि आप अपना होम टूर दीजिए। अरे भाई, होम है कि मनाली है जी, जो टूर दे। बात तो सही है। आइए देते हैं आपको होम टूर। नया नया घर लेंगे ना तो उसमें सिक्योरिटी भी रहेगा मेरे लिए, मेरा फैन सब आएगा ना हमको देखने। तब हम आपको गेटो दिखाएंगे बाहर से। ज्यादा कुछ नहीं है, द्वारी है, गेट है। जा नहीं रहे, रुक जाओ, दो सेकंड में वापस आएंगे। हेलो गाइज, ये है मेरा होम टूर। देखो आ गया ना, दो सेकंड में। जैसे आप गेट खोलिएगा ना, जैसे ही अंदर आते हैं आपको दिखेगा ई। गेटवे में बैठा रहता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इससे मिलना होगा, इससे परमिशन लेना होगा। आपको सूंघेगा, आके देखेगा कि हाँ भैया है कौन, सेफ है कि नहीं घर में घुसने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा जैसे ही गेट खुलेगा। ये है मेरे पापा का साइकिल, ये साइकिल रखा हुआ है, ये सीढ़ी है घर का ऐसे। इधर इन्वर्टर रखा हुआ है, इधर मेरा जूता चप्पल जितना सैंडल वैंडल होता है ना, सब इधर रखा रहता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे अंदर घुसिएगा ना तो आपको सामने दिखेगा फ्रिज। उधर फ्रिज है, उधर सिरू का खाना वाना रखा हुआ है। देखो इधर दो रूम है, उधर दो रूम है, ठीक है। और वो पूजा रूम है, वो किचन है, इधर लाइटिंग है, ठीक है। लाइटिंग बाथरूम नहीं बोलेंगे, वॉशरूम है, टॉयलेट। इधर एक टॉयलेट है, उधर एक टॉयलेट है। टॉयलेट और वॉशरूम अटैच्ड है, मतलब नहाने का और टॉयलेट जो है दोनों अटैच्ड है। दोनों में इसमें भी है और उसमें भी है। ये वॉश बेसिन है, इसमें हम लोग ब्रश करते हैं। ये मेरा आरओ है, आरओ इसमें से पानी पीते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। यहाँ पे रखा रहता है सीरो का सारा खाने का कटोरी उटोरी, उसका खेलने का सामान। गरीब के घर का बच्चा यही सबसे खेलता है, बोतल के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबको यही खिलौना होता है। नहीं रे, बहुत अमीर है। देखो नया नया वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी नया है, फ्रिज भी नया है, ठीक है, ठीक है। उधर पूजा रूम, इधर किचन। ये मेरा सीरो आ गया, ये कहीं से भी आ सकता है, कभी भी एंट्री मार देगा। ये है गेस्ट रूम, क्योंकि इसमें सोफा रखा हुआ है, तो क्योंकि इसमें सोफा है इसको गेस्ट रूम बोलते हैं। ये सोफा लगा हुआ है, दादाजी का बहुत पुराना टीवी है। दादाजी यहाँ बैठे रहते हैं पूरा दिन, दादाजी यहाँ बैठते हैं टीवी देखते हैं। वो मेरे दादाजी के पापा की फोटो है, और इधर घड़ी लगा हुआ है। अब इधर बढ़ते हैं, ये है दादा दादी का रूम। दादा दादी दिल्ली गए हुए हैं चाचा चाची के घर, चाचा मतलब मेरे पापा के बड़े भाई, वहाँ पे गए हुए हैं अभी वो दोनों। तो इधर भी रूम खाली रहता है, तो हम लोग इधर ही घुसे रहते हैं यार। अभी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में है, थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस जहाँ मिल रहा है वहाँ बच्चा एकदम खुशी से फुलाना समा जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये रहा मेरा किचन, देखिए बुआ जी साफ सफाई कर रही हैं हमारी। हाँ, ये है फ्रिज, यहाँ सारा ब्रश रखा हुआ है, इसी में से उठा के ब्रश करते हैं। ये रहा मेरा पूजा रूम, पूजा रूम में पूजा का सामान है, पूजा रूम में देवी देवता लोग हैं। उधर गीता रखा हुआ है, रामायण रखा हुआ है, महाभारत रखा हुआ है, भजन का कॉपी रखा हुआ है। अब आया है मेन चीज, अब आया है मेरा रूम। गाइज, ग्रैंड 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 एंट्री के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं अपना रूम। ये रहा मेरा रूम, बेसिकली ये मेरा बेड है, इस पे हम और दीदी दोनों सोते थे। दीदी पुणे चले गए, पूरा बेड मेरा हो गया है, बोले हम उसको बहुत मिस करते हैं। और मेरे रूम में आपको खाली कपड़ा दिखाई देगा, हर जगह कपड़ा। ये हम है, ये दो गो अलमारी अलग से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया यार इसमें। गाइज, अब आता है ये लास्ट रूम, उसके बाद आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है। ये लास्ट रूम है, मम्मी पापा का रूम है। उम्मीद है आपको मेरा होम टूर वाला ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको ऊपर लेके जाएंगे। हम ऊपर आपको थोड़ा बाहर लेके जाएंगे, अभी मेरा सर दुख गया यार। ये है वो है का है, बाप रे बाप, होम टूर करवा रहे थे, मटेरियल टूर करवा दिए, सब कुछ बता दिए, कौची कहाँ है। तो हमको पता चला बहुत कुछ की ये चीज यहाँ रखा रहता है, आज हम पहली बार अपना घर इतना गौर से देखे भाई। देखो ये फोटो देखो, अरे यार लाइट ऑन करो यार, ब्लॉगर के घर में लाइटें नहीं रहता। ये फोटो है, ये फुआ है, ये दादी है, ये बड़े पापा हैं, ये दादाजी हैं, और ये मेरे पापा। ये मेरे पापा, ये देखो मेरे पापा का शक्ल एकदम मेरे जैसा था यार। डिप्टो मेरे जैसा शक्ल है यार। मेरे पापा इतना जोर से बात करते हैं, इतना जोर से बात करते हैं ना। हेलो, हाँ कहाँ है आप? हम पहुँचले बने इस जगह पर। तो कब तक आइएगा? कब? हमको उनका एक्टिंग करने में डर लग रहा है, आगे कूट देंगे। हम कहाँ चला रही है, कहाँ चला रही है? पापा हम तो आपका एक्टिंग कर रहे थे, मारे तो था फिंच के, उसके बाद हमको बेहोश कर देंगे मार के। ये रूम, उसके बाद आता है ये रूम।
चलो इस रूम में घुसते हैं। पापा जी बाहर चले गए। इस रूम में टीवी है बड़ा सा, अमीरों वाला टीवी, बड़ा टीवी है। हमारे कृष्ण कन्हैया है, हमारे मिलॉर्ड, हमारे एवरीथिंग। खिड़की भी है भाई हमारे घर में, खिड़की से बाहर दिखता भी है, बाहर बगान भी है। क्या बताएं आपको लोग, कोई तो एरिया है खिड़की का जहाँ पे सामने घर नहीं है, वरना उस खिड़की के सामने भी घर बन गया है, उस खिड़की के सामने भी। ये पूरा मेरा चौकी है। एक और चीज बताते हैं, ये रूम और मेरा रूम अटैच्ड है। उधर उधर से आए, इधर से आए अंदर, और ये दोनों रूम अटैच्ड है, मतलब कि इधर भी स्पेस है उस रूम में जाने के लिए। तो बेसिकली हम लोग को कभी प्राइवेट स्पेस मिला ही नहीं। हाँ बाबू कैसे हो, रुक रुक मम्मी आ रही है। नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इधर ही मम्मी पापा रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं, मतलब प्राइवेसी तो कभी नहीं मिला। थोड़ा मोड़ा तो होता है ना यार, बच्चा बच्चा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा तो जाइए ना स्पेस। कभी रात में हमको डिप्रेशन लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, तो उठ के गाना सुनने का हमको मन किया कि हाँ उठ के सुनो, मतलब कोई मोटिवेशन गाना। बेसिकली संदीप महेश्वर का वीडियो ही देखना है। मान लो रात में हमको डिप्रेशन छा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, हम पड़े रहें। हमको संदीप महेश्वरी का वीडियो देखना है तो हम नहीं देखेंगे। लाइट ऑन रहता है तो हम लोग डांट खाते हैं कि लाइट काहे ऑन रखी हुई है, ऑफ करके सो तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब लाइट ऑफ है और मोबाइल चलते हुए दिखे तो ज्यादा डांट पड़ता है कि अंधेरा में मोबाइल काहे चला रही हो। अरे हम लोग को प्राइवेसी नहीं देना था, खुद भी तो प्राइवेसी चाहिए होता है ना। नहीं कुछ बोलो सिरु, हम चाहते हैं तुम भी कुछ बोलो, अपने मुंह से कुछ बोलो, भाव भाव मत करो, कुछ बोलो। चलिए आपको ऊपर लेके चले क्या, चलते हैं। 13 को सीढ़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे 6 को सीढ़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एज यू एंटर दिस एरिया, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। उधर 2 रूम है, उधर 2 रूम है, उधर 2 किचन है, इधर 2 बाथरूम है। ये भी यूज में नहीं है, हम यहाँ बैठ के कभी कभी एडिटिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ, रजुआ। चलिए रजुआ का नाम आ गया, हैप्पी 100 के सब्सक्राइबर। बहुत सारा सपना सब लिखते रहते हैं इनने से उन्हें जो दिल में आता है। तो चलिए एक काम कीजिए, रजुआ का नाम आया तो आप लोग रजुआ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखिए लिए तो पसंद आ रहा है तब ना, तो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, एंड हेल्प मी ग्रो। यस सब्सक्राइब। तब जो भी वॉशिंग मशीन आता है उसका डब्बा वब्बा सब ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वो मेंटेन्ड नहीं है पूरा, कपड़ा उपड़ा ऊपर पसारा रहता है। सारा किताब है हम लोग का, 7, 8, 9, 10 कंपटीशन का ढेर सारा, पता नहीं कितना सारा किताब है। कोई मेरा पीछा कर रहा है गाइस, गाइस कोई मेरा पीछा कर रहा है गाइस। क्या आपको कोई पीछा करता हुआ दिख रहा है? मैं हूं डोरा द एक्सप्लोरर। क्या आपको कोई मेरा पीछा करता हुआ दिख रहा है गाइस? क्या आपको ये दिख रहा है? स्वाइप पर नो स्वाइपिंग, स्वाइप पर नो स्वाइपिंग। आओ दिख रहा है, सीडू है मेरा। बहुत बढ़िया हवा चल रहा है, नीचे से हवा आ रहा है गाइस। या तुम नीचे ही रहो, तुम कुछ कुछ खाने लगते हो। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आओ आ जा, आ जा। हाँ चलो आओ। ये छत है, छत पे भी एक रूम है, रूम इधर बालकनी है। चलो आपको बालकनी दिखाते हैं। इधर छिपकली ना हो यार, आई डोंट लाइक छिपकली। भाई लग गया हाथ में, लग गया हाथ में, लग रहा है ज्यादा नहीं लगा, भूखा आ गया। ये देखो ये हमारा सबसे ऊपर का छत का रूम है, और इसके ऊपर नहीं है, बादल लगा हुआ है, देखो बारिश होने वाला है। प्रॉपर बालकनी का व्यू, अच्छा जगह है यार बालकनी मेरा। बहुत रेयरली ऊपर आते हैं, अभी गर्मी का मौसम था ना तो ऊपर आ बिल्कुल जीरो हो गया था ऊपर आना। गर्मी का मौसम कौन ऊपर आता है, ये देखो झाक रहे वहां से। चलो उधर चलता है। तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। ये बना हुआ है ऐसे, इसके ऊपर हम लोग बैठते हैं। गर्मी के मौसम में रात में बैठते हैं, ठंड के मौसम में दिन में बैठते हैं। ये देखो ये छत है मेरा पूरा, ठीक है हमारा ध्वज, इसी बात से बोलिए जय श्री राम। ये ढेर सारा पौधा, ये देखो सामने वाले छत पे खिलौना रखा हुआ है, और ऊपर सूर्य देवता है, ये आपको अपने छत पे भी नजर आ जाएंगे, पूरी दुनिया वालों को छत पे नजर आते हैं। और नीचे चला जाए, धूप आ गया, वॉशरूम भी है छत पे, देखो एक वॉशरूम है। तो ये था मेरा प्यारा सा होम टूर वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और ऊपर भी बनने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है, देखो कब बनेगा। क्या फायदा, 8 गो रूम है फिर भी एक पर्सनल रूम नहीं मिला है, क्या फायदा भाई। पता है यहाँ पे एक छेद है यहाँ पे, हाँ ये वाला छेद, छोटे थे ना तो बचपन में इसी में झाक झाक के। दिखता है क्या इसके बाहर, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है झंडा, दिख रहा है।
इसमें से देखते रहते थे छत पे कौन क्या कर रहा है, मम्मी किधर है, दादाजी किधर है, इसी में से देखते रहते थे। यहाँ से एस्थेटिक वीडियो बनता है ढेर सारा। कोई भी घर हो ना तो दिन में वो घर अलग दिखता है, रात में अलग दिखता है, क्योंकि रात में घर वाली लाइट होती है तो रात में सब कुछ अलग दिखता है, दिन में सब कुछ एकदम डिफरेंट दिखता है। ऐसा होता है ना रहना तुमको। चलो नीचे आ जा, चल आ जा। लग गया हमको यार, सिरों में प्यास लगा होगा। सिरों पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, प्यास नहीं लगा। अच्छा तुम थोड़े ब्लॉगिंग कर रहे हो इतना देर से, हम ना कर रहे हैं।